नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 18 जून को होने वाली डीएलएड और एसटीटी की परीक्षा हुई स्थगित। आज सुशांत सिंह डेथ एनिवर्सरी पर उनकी बहन स्वेदा का ये भावुक पोस्ट आया सामने। बिहार के मेडिकल कॉलेजों की सीट में हुआ इजाफा। के पाठक के तबादले पर लोगों का सोशल मीडिया पर तरह तरह का रिएक्शन आ रहा सामने। जाने क्यों पीसीबी के अधिकारियों ने बीसीसीआई से की मुलाकात। शाम तक की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले गुमशुदा बच्चे को लेकर एक जरूरी सूचना। एक बच्चा जो विजयनगर सेक्टर 8 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी पटना 800026 हाउस नंबर 82/28 आगम कुआं थाना के नजदीक का रहने वाला है। वो अपने घर से 11 जून को शाम के 5:30 बजे निकला था। वो अभी तक अपने घर वापस नहीं आया है। बच्चे का नाम गुंजन कुमार है। बच्चे की उम्र 16 वर्ष है। रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 5 इंच है। बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है। बच्चा जब घर से निकला था तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसने चेक ब्लू शर्ट और ग्रे रंग की जीन्स पहन रखी है। बच्चे के पास एक स्काई ब्लू रंग का बैग भी है। बच्चे की तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यदि आपको कहीं से भी इस बच्चे की जानकारी मिले तो जरूर बताएं। बच्चे के बड़े भाई गौतम का नंबर 9471976791 है। वहीं बच्चे की मां डीजी सिन्हा का नंबर 7488469084 है। किसी भी तरह की जानकारी यदि आप तक मिलती है तो या बच्चा कहीं आपको दिखता है तो इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी जरूर दें। सूचना देने वालों को 5,000 रुपये तक का इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही गुमशुदा बच्चे की इस खबर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। 18 जून को होने वाली डीएलएड और एसटीटी की परीक्षा हुई स्थगित। 18 जून को एसटीटी और डीएलएड के प्रथम वर्ष की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 18 से 25 जून तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड सत्र 2023-25 के फर्स्ट ईयर की परीक्षा निर्धारित थी। अब 18 जून की ये परीक्षा कब होगी इसकी सूचना अभी तक सामने नहीं आई है। 18 जून की परीक्षा आयोजित होने की सूचना जल्द ही दे दी जाएगी, लेकिन 19 जून से शेष आगे की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होने वाली है। केवल 18 जून की परीक्षा को ही बकरीद के कारण स्थगित कर दिया गया है। सीएम नीतीश ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा। बिहार के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा आज सीएम नीतीश कुमार ने की है। इस दौरान सीएम नीतीश ने यहां मौजूद सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से काम करने के आदेश दिए हैं। समीक्षा बैठक आज एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में हुई है। इस दौरान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा भी मौजूद थे। इन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की अद्यतन स्थिति की प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सीएम नीतीश को विशेष जानकारी दी है। सभी समीक्षाओं के बाद सीएम नीतीश ने कहा है कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता से काम करें। 7 निश्चय 2 के तहत जो भी बचे हुए काम है उसे तेजी से पूरा करवाएं। सभी जगह पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बिहार के मेडिकल कॉलेजों की सीट में हुआ इजाफा। इस सत्र से बिहार के मेडिकल कॉलेजों में पहले से अधिक सीटों पर एडमिशन होने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बार प्रदेश में एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ी हैं, जिससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 1690 हो चुकी है। ये 200 सीटों में इजाफा बिहार के समस्तीपुर और छपरा मेडिकल कॉलेजों में हुआ है। ऐसे में बिहार से डॉक्टर बनने का सपना रख रहे अभ्यर्थी के लिए सुनहरा अवसर है। साथ ही डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से लोगों को इलाज में भी सहूलियत होगी। आज सुशांत सिंह राजपूत के डेथ एनिवर्सरी पर उनकी बहन श्वेता का ये भावुक पोस्ट आया सामने। आज से ठीक 4 साल पहले 14 जून साल 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था। सुशांत सिंह ने जिस तरह से दुनिया छोड़ा, ये घटना सभी को झकझोर कर रख देने वाली थी। सुशांत सिंह भले ही दुनिया छोड़ गए हों, लेकिन खुद के चाहने वालों के बीच ये आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। सुशांत के डेथ एनिवर्सरी पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में सुशांत अपनी बहनों के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में श्वेता ने लिखा है कि भाई तुम्हें गए 4 साल हो गए हैं और हम अभी भी नहीं जानते हैं कि 14 जून 2020 को क्या हुआ था। के पाठक के तबादले पर लोगों का सोशल मीडिया पर तरह तरह का रिएक्शन आया सामने। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे के पाठक का तबादला कर उन्हें अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया है।
आपको बता दें कि के पाठक का लगातार शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा था। अब इनके तबादले के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा देखने को मिल रही है। कुछ लोग के पाठक के तबादले से नाराज हैं तो कुछ लोग बेहद खुश हैं। के पाठक के तबादले से नाराज होने वाले लोग बिहार में अब शिक्षा विभाग की चिंता कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इनके तबादले से चुटकियां लेते नजर आ रहे हैं। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि अब राजस्व विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी का बीपी और शुगर बढ़ेगा, तो कुछ लोगों का कहना है कि के पाठक के तबादले से जमीन ब्रोकर अब दूसरा जॉब ढूंढने निकल पड़े। पटना के प्रसिद्ध सिटी सेंटर मॉल पर लगा 79 लाख रुपए का जुर्माना। पटना के लोधीपुर स्थित सिटी सेंटर मॉल पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना 79,12,000 रुपए का लगा है। साथ ही बोर्ड ने सिटी सेंटर मॉल को नोटिस भेजा है, जिसमें क्यों नहीं आपके सेंटर को बंद कर दिया जाएगा जवाब मांगा गया है। इसका जवाब मॉल को 15 दिनों में देना है। आपको बता दें कि यहां से स्थानीय लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की थी कि मॉल के पीछे और रेजिडेंसी टावर के आगे मॉल का एयर कंडीशनिंग चिलर प्लांट से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। इस वजह से यहां रहने वाले रेजिडेंसी टावर के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस शिकायत के बाद इसकी जांच भी हुई। जांच में पाया गया कि रेजिडेंसी टावर के आसपास ध्वनि प्रदूषण मानक से अधिक है। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू को एनटीए का आधा अधूरा जवाब। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू बिहार में नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। ईओयू ने इस मामले में एनटीए से जवाब मांगा था। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आधा अधूरा जवाब ही भेजा है। एनटीए का ये जवाब भी ईओयू के 2 से 3 रिमाइंडर के बाद आया है। एनटीए ने ये जवाब बुधवार की देर रात ईमेल के जरिए दिया था। इस लापरवाही को देखते हुए एक बार फिर से ईओयू द्वारा एनटीए को पत्र लिखा जाएगा और स्पष्ट जवाब की मांग की जाएगी। अधिक भीड़ को देखते हुए पटना और गया से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू। पटना से ट्रेन के जरिए दिल्ली जाने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है। अब इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना से नई दिल्ली और गया से आनंद विहार के लिए सुपर फास्ट क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 14 से 30 जून तक संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के क्लोन के रूप में गाड़ी संख्या 02393 पटना नई दिल्ली सुपरफास्ट क्लोन स्पेशल पटना से रात 8:10 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12:10 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 12394 नई दिल्ली पटना सुपरफास्ट क्लोन स्पेशल 15 जून से 1 जुलाई तक नई दिल्ली से दोपहर 1:20 पर प्रस्थान करेगी और अगले सुबह 7 बजे पटना पहुंचेगी। अधिक और सटीक जानकारी के लिए रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित रेलवे स्टेशन के पूछताछ केंद्र पर पता कर सकते हैं। सरकारी कार्यालयों से ही कचरा हटाने की चल रही तैयारी। सरकारी कार्यालयों को ही कचरा से 3 महीने में मुक्त करने की तैयारी है। भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद जल्द ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला है। उसके बाद वर्षों से जमा ई कचरा का निपटारा राज्य के सभी जिलों में स्थित सरकारी कार्यालयों में किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीके शुक्ल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि ई कचरा पटना ही नहीं सूबे के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वर्षों से सरकारी कार्यालयों में जमा ई कचरा को जल्द ही हटाया जाएगा। भोजपुर और नवादा के बदले एसपी। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी प्रमोद कुमार यादव और नवादा के एसपी अम्बरीश राहुल को लोकसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हटाकर किसी और को पदभार सौंप दिया गया था। हालांकि एक बार फिर से भोजपुर और नवादा के एसपी को बदलकर वापस प्रमोद कुमार यादव और अम्बरीश राहुल को एसपी बना दिया गया है। गृह विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी की गई है। चुनाव के दौरान भोजपुर एसपी की जिम्मेदारी नीरज कुमार सिंह को मिली थी, जो अब फिर से सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर आ चुके हैं। वहीं नवादा में पोस्टेड हुए कार्तिकेय के शर्मा को अभी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस पटना में सहायक पुलिस महानिरीक्षक का पदभार सौंपा गया है। नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड में नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से ये ट्रेनें हुई रद्द। नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड के चनपटिया और कुमार बाग में नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इस कार्य की वजह से 16 जून तक 7 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। ट्रेनों के रद्द किए जाने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। 15 जून तक रद्द रहने वाली ट्रेनों में गाड़ी संख्या 05257 है। वहीं 16 जून तक रद्द रहने वाली ट्रेनों में गाड़ी संख्या 05260 व गाड़ी संख्या 05258 व 05259 का परिचालन रद्द रहने वाला है।
कई ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है, इसलिए अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट या नजदीकी स्टेशन के पूछताछ केंद्र पर पता कर सकते हैं। सीएम नीतीश ने 29 जून को बुलाई जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सीएम नीतीश द्वारा 29 जून को बुलाई गई है। इसमें पार्टी के सभी सांसद, विधायक और प्रमुख नेताओं को शामिल होने की खबर है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम नीतीश राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते करेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि जदयू की ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत और कई प्रमुख चेहरे शामिल होने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की सरकार को बताया कमजोर। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोलकाता पहुंचे। यहां आते ही उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि जनता ने अपना अस्पष्ट संदेश दिया है, केंद्र में कमजोर सरकार बनी है। इस सरकार में बिहार निर्णायक भूमिका में है। देश की जनता ने पीएम मोदी को अपना संदेश दिया है। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, तानाशाही चल रही थी, संविधान और लोकतंत्र पर हमला बोला जा रहा था, उन सबका जवाब जनता ने अपने जनादेश में दिया है। बीमा भारती के रुपौली सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज। जदयू ने भी प्रत्याशी की घोषणा। पूर्णिया के अंदर आने वाले रुपौली विधानसभा सीट पर इन दिनों चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल यहां से जदयू के टिकट पर बीमा भारती विधायक थी, उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था और पूर्णिया संसदीय सीट पर राजद की तरफ से चुनाव लड़ रही थी। हालांकि वे निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से हार गई, लेकिन बीमा भारती के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद अब रुपौली विधानसभा में उपचुनाव की चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती के राजद में शामिल होने के बाद जदयू ने भी रुपौली विधानसभा सीट से उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि जदयू प्रदेश कार्यालय पटना में कलाधार मंडल के नाम की घोषणा हुई है। ये जदयू के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए कई दावेदारी सामने आ रही है। सांसद का चुनाव हारने के बाद अब एक बार फिर से बीमा भारती द्वारा रुपौली सीट से विधायक का चुनाव लड़ने की चर्चा है। यहाँ पर चुनाव में इन दावेदारों के उतरने से सीट के हॉट सीट बनने की चर्चा तेज है। जाने क्यों पीसीबी के अधिकारियों ने बीसीसीआई से की मुलाकात। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला चल रहा है। अब इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के आला अफसरों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अधिकारियों ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अगले साल खेली जाने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, इसलिए बीसीसीआई को पीसीबी मनाने की कोशिश करने में अभी से ही लग चुका है। हालांकि बीसीसीआई ने इस मामले में अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर छोड़ दी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सुरभि, सुमन, रवि कुमार, राम, खुशी कुमारी, नौसाद, रजा, राजू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, रजनीकेत यादव, राम बाबू दास, कन्हैया कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, सादुल्ला पालवी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शिक्षा विभाग से के पाठक का तबादला अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कर दिया गया है, इनके तबादले पर आपकी क्या राय है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।